आज राज्यसभा में बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 12 बजे हो सकता है संबोधन। भारत में दिग्गजों की चीनी जासूसी की जांच के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। एक महीने के भीतर कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। चीन के दुष्प्रचार पर भारतीय सेना का वार। कहा, अगर चीन युद्ध के हालात पैदा करता है तो उसका सामना सक्षम और सशक्त भारतीय सैनिकों से होगा। चीन के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार साथ साथ। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आम सहमति बनी है। विपक्ष दायरे में रहकर के सरकार से पूछेगा सवाल। भारत चीन सीमा पर पिछले 6 महीने में कोई घुसपैठ नहीं हुई। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान। लद्दाख में एलएसी पर पूरी सर्दी में तैनाती के लिए भारतीय सेना तैयार है। अगले 14 महीने के लिए रसद जमा किए गए। एलएसी पर सेना के लिए ईंधन समेत विशेष कपड़े, टेंट, खास भोजन जैसी चीजें इतनी मात्रा में एकत्रित की गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त। उत्तराखंड सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है चीन। बॉर्डर के करीब चीनी सीमा में झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर देखा गया। शर्जील उस्मानी ने फिर उगला जहर। भड़काऊ पोस्ट में लिखा, हिंदुत्व को हराना जरूरी, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगे की साजिश को लेकर के चार्जशीट दाखिल कर ली है। कड़कड़डूमा कोर्ट में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। जया बच्चन के थाली वाले बयान पर कन्ना का पलटवार। ट्वीट में कहा, मेरी थाली में देशभक्ति और नारी प्रधान की फिल्म है। रवि किशन के समर्थन में उतरी जया प्रदा। कहा, जया जी बताएं कि थाली में किसने छेद किया। सांसद रवि किशन ने कविता के जरिए बोला हमला। लिखा, रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। सुशांत की एक बहन और जीजा को पूछताछ के लिए बुला सकती है एनसीबी। ड्रग्स केस से जुड़ी मिल सकती है जानकारी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करमजीत ड्वेन और अंकुश अंड्रेजा को कोर्ट में किया पेश। तीनों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 17वां जन्मदिन। पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर खुद की जानकारी दी। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार। कोरोना से अब तक देश भर में 82,066 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 90,123 नए मरीज आए सामने, जबकि 1,290 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सामने आया कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,473 मामले सामने आए। कोटा में मौतों से मचा कोहराम। इटावा की चंबल नदी में पलटी थी नाव। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के बाट मालू में आतंकवादियों से मुठभेड़। एक आतंकी ढेर हुआ। आतंकवादियों के फायरिंग में एक महिला की मौत हुई। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच आज ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। वर्चुअल बैठक में आमने सामने होंगे एनएसए अजीत डोभाल और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यांग जीएची। रिहायशी इलाकों तक पहुंची कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। हजारों का घर जलकर के खाक हो गया है। चारों ओर राख ही राख है। अमिताभ बच्चन ने शेयर की केबीसी सेट की शानदार तस्वीरें। कहा, हर कर रहे हैं 12 से 14 घंटे तक काम। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।